बहुत फिल्मी है, है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये है पूरे देश किसका किस्सा। जैसे ही किसी बॉलीवुड फिल्म में बड़े स्टार्स के किसिंग सीन्स की बात आती है, सुर्खियां बन जाती है, बार बार उस सीन से जुड़े सवाल किए जाते हैं। लेकिन अब क्या रणवीर सिंह जवाब देंगे? वेल, उनकी आने वाली फिल्म बेफिक्रे में उनके और हॉट हीरोइन वाणी कपूर के 23, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पूरे 23 किसिंग सीन्स हैं। वेल, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिलीज हुआ है और देखकर यही लग रहा है कि रणवीर को वाणी के साथ ऐसे बेफिक्री से रोमांस करते देख शायद दीपिका को अच्छा नहीं लगेगा। हम ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आप भी देख लीजिए 23 किस का ये किस्सा। आमतौर पर बॉलीवुड फिल्मों में अगर हीरो हीरोइन का एक किसिंग सीन भी होता है तो सुर्खियां बन जाती हैं। लेकिन निर्देशक आदित्य चोपड़ा की आने वाली फिल्म बेफिक्रे में रणवीर सिंह और वाणी कपूर ने किए हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 23 किसिंग सीन। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग उड़े दिल बेफिक्रे रिलीज हुआ है और अगर सिर्फ इस गीत में ही रणबीर और वाणी की जबरदस्त केमिस्ट्री और बोल्ड रोमांस पर गौर करें तो समझ जाएंगे कि पूरी पिक्चर अभी बाकी है जना। जा रही हो? पारी जो, back to real life? तुमने मेरा नंबर तो लिया नहीं। You know, मेरा अभी recently ब्रेकअप हुआ है, मैं कुछ दिनों तक सिंगल रहना चाहती हूँ। सुनो फोन कॉल्स प्लीज। अगर खबरों की माने तो ये अब तक की सबसे ज्यादा किसिंग सीन वाली बॉलीवुड फिल्म है और ये किस भी कोई ढके छुपे नहीं बल्कि बिल्कुल हॉलीवुड फिल्मों की तर्ज पर काफी बोल्ड और खुले किसिंग सीन है। फिल्म की कहानी में धर्म यानी रणवीर और शायरा यानी वाणी पेरिस में मिलते हैं और फैसला करते हैं कि दोनों साथ में जमकर मस्ती करेंगे, डेट पर जाएंगे, वक्त बिताएंगे, लेकिन कभी एक दूसरे से ना तो आई लव यू बोलेंगे और ना ही किसी रिश्ते में बनने की कोशिश करेंगे। हम क्यों नहीं एक दूसरे को आई लव यू जैसी स्टूपिड बातें बोलेंगे? क्योंकि फिर सब इमोशनल हो जाता है और सेंटी हो जाता है और मस्ती का दी एंड हो जाता है। सो आई एम जस्ट सेइंग एक नाइट सम ड्रिंक्स सम डांसिंग सम फुका देख रहा हूं वहां पे राइट देयर। उसके पास जाओ, जोर से थप्पड़ मारो, I'll go out on a date with you. तुम साइको चिको, तुम्हें पता है ना? बिंदास डायलॉग, बोल्ड सीन और नए जमाने के नए रोमांस की कहानी बेफिक्रे बॉलीवुड के कई पुराने ढर्रों को बदलने वाली फिल्म साबित हो सकती है। अभी इसी वक्त इसी जगह। You're on. फिल्म के अभी तक रिलीज हुए गीतों में भी कहानी कम, रणवीर और वाणी की मस्ती ज्यादा नजर आ रही है और हाँ, हीरोइन वाणी कपूर काफी बोल्ड अवतार में नजर आ रही है। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा पेरिस में शूट किया गया है और खास तौर पर वाणी ने डांस की ट्रेनिंग ली है जो फिल्म के इस गीत में बखूबी नजर आती है। नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई। नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई। उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त सी चढ़ गई, हमको तुरंत जैसे लगती करंट जैसे निकला वारंट जैसे अभी अभी उतरा होने से डोरंट जैसे नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई।
यशराज फिल्म्स का बैनर आमतौर पर अपनी पारिवारिक लव स्टोरीज वाली फिल्मों के लिए मशहूर रहा है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी उनकी सबसे कामयाब फिल्म में भी एक भी किसिंग सीन नहीं था, लेकिन निर्देशक आदित्य चोपड़ा शायद इस बोल्ड फिल्म के जरिए अपने बैनर और खुद अपनी इमेज भी बदल देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। लहू में बढ़ गई ओए कुड़ी लहू में बढ़ गई, ऐसे खींचे दिल के पेचे गले ही पड़ गई ओए, नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई। हालांकि ट्रेलर देखकर तो यही लग रहा है कि दर्शक इस फिल्म को परिवार के साथ देखने में तो परहेज ही करेंगे। बेफिक्रे कि दर्शक कितनी फिक्र करेंगे ये तो 9 दिसंबर को ही पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी। हसी कदी ठंडे कदी गलियां नपे कदी हस के कलेजा मांग दिए। अजय देवगन की शिवाय रिलीज हो चुकी है, लेकिन अजय हैं कि इतनी मेहनत के बाद अब जरा भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। देखिए क्या है अजय के आगे के प्लान्स, खुद अजय की ही जुबानी। अजय देवगन, सलमान खान, संजय दत्त एक बार फिर आ सकते हैं साथ। एक बार फिर अजय संभालेंगे निर्देशन की कमान। अजय की निर्देशक के तौर पर अगली फिल्म होगी सन्स ऑफ सरदार बैटल ऑफ सारागिरी, जिसका कैनवस भव्य होगा। और सुना है कि अजय के साथ इस फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त भी शामिल हो सकते हैं। अगली फिल्म भी आप प्लान कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर बहुत जल्द? स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, उससे पहले मैं बादशाह कंप्लीट करूंगा और गोलमाल कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद ये फिर, क्योंकि अगली जो मेरी फिल्म है वो फिर बहुत बड़ी फिल्म है तो उसको बनाने में टाइम लगेगा। वैसे फिलहाल अजय अपनी फिल्म शिवाय की प्रतिक्रिया से बेहद खुश हैं। जो मैंने पहले कहा था याद है आपको कि इंटरव्यू में, कि मैं चाहता हूँ कि लोग बाहर निकलें, आंखों में आंसू हो, एक चेहरे पे स्माइल हो, तो ये एग्जैक्टली सेम रिएक्शन मिल रहा है मुझे। और लोग बोल रहे हैं कि इतनी अच्छी पिक्चर हमने सोचा नहीं था, हमको लग रहा था ये एक्शन फिल्म है, बट ये एक्चुअली एक फैमिली ड्रामा। जैसे कितने लोगों ने मुझे भेजा अपनी और अपनी बेटी का फोटो, और थैंक यू अजय, पिक्चर ख़त्म होने के बाद यू नो माई 9-year-old डॉटर हग्ड मी। फिर मेरे को किसी और ने भेजा, थैंक यू अजय, पिक्चर ख़त्म होने के बाद मैं डॉटर सेड 10 साल की बेटी है, शी सेड डाडा आई नो दैट अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होगा तो आप भी वही करेंगे, वैसे शिवाय देखने के बाद अजय की बेटी की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी। मेरी बेटी बाहर निकली रोते हुए, एंड शी सेड आई हेट यू, बिकॉज ये इमोशनली इतना टच करती है मूवी, और उसके अलावा एक खुशी देती है आपको क्योंकि पिक्चर का एंड है जो है वो तो पॉजिटिव। पिता और बेटी की लव स्टोरी के अलावा फिल्म के एक्शन की खूब तारीफ हो रही है। पढ़ाई है आपने, मतलब आप पर आई थिंक जब मैं खुद एक्शन करूंगा तो फिर इस लेवल का ही होगा वरना नहीं होगा। जी, एक्शन के गुरु वीरू देवगन के बेटे अजय को इस बात का अफसोस है कि वो अपने पिता को ये फिल्म नहीं दिखा पाए। आपके पिता जिन्होंने आपको सिखाया है सब कुछ, क्या उन्होंने ये फिल्म देखी? उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाते, थोड़ा मेंटली ठीक नहीं है, तो मैं ज़रूर चाहता था कि वो देखें, समझें और रिएक्ट करें, बट इट्स वेरी सैड दैट यू नो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट आपने वो लेगेसी आगे बढ़ाई है, आपने मतलब आप पर आई थिंक जब मैं खुद एक्शन करूंगा तो फिर इस लेवल का ही होगा वरना नहीं होगा। हालांकि शिवाय की शुरुआत उम्मीद से कम हुई है, लेकिन अजय को यकीन है कि आने वाला हफ्ता बेहतर होगा। कोई कुछ भी कहे, जो वर्ड ऑफ माउथ ऑडियंस का होता है वो ऑडियंस ही डिसाइड करती है, वो जो फैलता है उससे बेटर कुछ नहीं रिएक्शन होता, तो अब वो वर्ड ऑफ माउथ ऐसा फैला हुआ है तो आई जस्ट कीप माई फिंगर्स क्रॉस कि लोग जाएं और फिल्म देखें। जोइता मित्रा, सुवर्णा, ABP न्यूज, मुंबई। बाहर का मौसम चाहे जैसा भी हो लेकिन टीवी की दुनिया तो हमेशा ही हॉट 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 रहती है।
आइए दिखाते हैं आपको छोटे पर्दे की गर्मा गर्म खबरें। हॉट न्यूज में आज बात करेंगे बिग बॉस के घर की, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर ही तो मिलती है एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारी हॉट न्यूज। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनालिसा की, जो इन दिनों खूब चर्चा में है। स्विमिंग पूल में बाबा जी के साथ इनकी हरकत देखकर हर कोई दंग रह गया, और ठीक इसी के बाद पंजाबी मुंडे के साथ इनकी रासलीला भी शुरू हो गई है। मोनालिसा के बारे में चौंकाने वाली बात ये है कि घर के अंदर ये धमाल मचा रही हैं और घर के बाहर इनके पतिदेव। देखिए देखिए, आप सब भी देखिए मोनालिसा के साथ उनके पतिदेव की ये तस्वीरें। अब शादीशुदा होने के बाद भी घर में इतना कुछ कर रही है मोनालिसा, इसे क्या समझे। अंदर आप पब्लिसिटी बटोर रही हैं और बाहर आपके पतिदेव काम कर रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ये फोटो किसने जारी की है। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे सिया के राम की। श्री राम जी भगवान हैं और कहते हैं भगवान का रूप कभी नहीं बदलता। शायद यही वजह है कि श्री राम जी के बालों का रंग नहीं बदला, लेकिन ये बात लगता है लक्ष्मण जी पे लागू नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मण जी के बालों को जरा गौर से देखिए, इनके बालों पर सफेदी आ गई है। वैसे क्रिएटिव तो श्री राम के बालों को भी सफेद करना चाहते थे, लेकिन श्री राम जी ने मना कर दिया कि वो अपने बालों पर सफेदी नहीं लगाएंगे। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे मास्टर शेफ को रिप्लेस करने वाले शो दिल है हिंदुस्तानी रियलिटी शो की, जो एक सिंगिंग शो है। आपके टीवी स्क्रीन पर बादशाह एक नारा लगाते हुए दिखेंगे, अगर आप हिंदी सॉन्ग्स गा सकते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने से आप भी इंडिया आ सकते हैं, क्योंकि आ रहा है दिल है हिंदुस्तानी ग्लोबल आवाज का इंडियन अंदाज। ये प्रोमो देखकर लगेगा कि आपको बादशाह खुद ऑडिशन लेने वाले हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि करण जौहर और बादशाह ने साफ साफ बोल दिया है कि वो ऑडिशन पर नहीं जाएंगे। बादशाह और करण के अलावा जज की कुर्सी पर और भी कई नाम आ रहे थे, लेकिन अब बाकी के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि इस शो का पहले नाम था मिले सुर मेरा तुम्हारा। अगली हॉट न्यूज आई है नागिन और ब्रह्म राक्षस के सेट से। क्या आप जानना चाहेंगे कि नागिन और ब्रह्म राक्षस ये दोनों सीरियल्स का एक दिन का कॉस्ट कितना होता है? 25 से 26 लाख। जी हाँ, एक दिन में दोनों सीरियल्स में लगभग इतने ही पैसे खर्च होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर बालाजी की माने तो उन्हें इन शोज से बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। शोभा कपूर आए दिन गुस्सा हो जाती है कि इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी शोज को क्वालिटी नहीं मिल रही है। अगली हॉट न्यूज में देखते जाइए प्रियंका चोपड़ा को। वैसे तो आपने प्रियंका चोपड़ा को अंग्रेजी और हिंदी में गाना गाते सुना होगा, लेकिन अब देख लीजिए ये गा रही है मराठी भाषा में गाना अपनी ही फिल्म के लिए। बाबा मला कळलेचा नाही तुझा मनी वेदना कशी मेरा बोल कुठे जाऊ मला काही समजेना साधही घालते लड़की तुला जगण्या तू दिला माझा जीवा अर्थ खरा बाबा अभी के लिए इतना ही, लेकिन कल सुबह 11:30 बजे देखना ना भूलें बहुत फिल्मी है। बहुत फिल्मी है।